जिला पुलिस पठानकोट ने लुटेरा गिरोह के 9 सदस्यों को सोना चांदी 3 लाख नकदी सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरा गिरोह के सदस्यों से 14 लाख की रिकवरी, 4 गाड़ियों समेत कई प्रकार के हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी एसएसपी पठानकोट विवेकशील सोनी ने पत्रकार सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने पठानकोट जिला एवं साथ लगते अन्य क्षेत्रों में कई लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। एसएसपी पठानकोट ने बताया कि इन 9 लुटेरा गिरोह के सदस्यों पर थाना सुजानपुर, तारागढ़ सदर डिवीज़न नंबर 1 में अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पठानकोट से रजनीश कालू की रिपोर्ट। पिछले दिनी जिन्हें कुछ वारदातें हुई सियाँ घर के चोरिया की कुछ अठो सठ की वारदात भी हुई सी चोरी करने वेले उस टाइम उपर घर से किसी सट्टा मार के मौत भी हुई हैगी है साढ़े एरिया सुजानपुर थाने के मुकदमे उन्होंने सारे के संबंध में एक 9 लोगों का गिरोह अरैसट किया गया। 9 बंदे फड़े गए हैं, उन्होंने 4 बंदे अजे होर फटमट रेंदे ने। तो इन असी टोटल अजे तक लगभग 14-15 लाख रुपए की इन्हों तो रिकवरी कर चुके हैं। एक केस जिद कि इन्होंने घर की वारदात की उस तो बाद जो भजन लगे तो उस वे इन घर के कुछ लोगों के गुआढ़ियों लड़ाई हो गई सी। तो उस केस के जोड़े गुआढ़ी है उन्होंने इन्होंने देखा से तो उन्होंने टैस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के इन्होंने बंद आइडेंटिफाई भी किया है। तो इस संबंध में हूँ तक असी 5 केसेस जोड़े है साढ़े मेजर केसेस जोड़े हुए थे पठानकोट के पिछले कुछ 6-7 महीनों के सारे ट्रेस हुए हैं। कुछ लोग तरन तारण है कुछ जो है अपने नेबरिंग हिमाचल प्रदेश नूरपुर थाने के रहने वाले। सर कोई हथियार वगैरह इन्होंने को एक वैपन रिकवर होया है, एक देसी कट्टा रिकवर होया, इस तो अलावा होर तेज़ धार दूजे हथियार रिकवर हो गए। सर काला कच्छा गिरोह के संबंध हाँ जी।